एक नचनिया थी बेगानी सी, हर बात में उंगली करती थी। ए भैया जी, बात में ही नहीं, वो और बहुत जगह उंगली करती थी। ढोंडो, बिलो द बेल्ट बात मत कर, शुरू से शुरू करते हैं। एक नचनिया थी बेगानी सी, हर बात में उंगली करती थी। बड़ी बेशर्मी से जन्मदिन पर गालियां सुना करती थी। खुलेआम लोगों को भड़काया करती थी। देश के टुकड़े करना चाहती थी, जाने किससे फटती थी। जब भी वो खोलती थी, गोबर ही किया करती थी। मुझसे अक्सर कहती, लाल सलाम लाल सलाम, और मैं बस इतना ही कह पाता, चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही। हम सब की चहेती स्वरा भास्कर जी का कल जन्मदिन था, तो सोचा देखा जाए ट्विटर पर मोहतरमा का जन्मदिन कैसे मनाया जा रहा है। लिटरली ये देखकर बहुत दुख हुआ और खुशी भी हुई कि उनको किसी ने सीधे मुंह जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। लिटरली किसी एक ने भी उनकी बुराई किए बिना उन्हें जन्मदिन की शुभकामना नहीं दी। मैं सोच रहा था कि यार चलो, राष्ट्रवादी लोग जिन्हें स्वरा की देशद्रोही बातें नहीं पसंद, उन्होंने उन्हें प्रताड़ित जन्मदिन बधाई दी, लेकिन वो लाल सलाम, वो टुकड़े गैंग के मेंबर्स में से भी किसी एक ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना जरूरी नहीं समझा। और आप तो जानते हो कि ऐसे मौकों पर बुजुर्गों की कही कोई ना कोई कहावत मुझे याद आ ही जाती है। तो स्वरा की सिचुएशन पर मुझे याद आया कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, मतलब अब आपने कर्म ही ऐसे किए हैं तो आपको शुभकामनाएं कौन देगा। एनीवेज, आइए देखते हैं स्वरा भास्कर की बधाइयों भरे ट्वीट्स। ये किसी ने मीम बना के भेजा है। आई हैव ए कंप्लेंट रिगार्डिंग योर एडवर्टाइजमेंट। हार्पिक वाले कहते हैं, वी आर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉज, प्लीज टेल अस। इसके रिप्लाई में स्वरा भास्कर के एड वाली ये पिक्चर शेयर करते हुए लिखा है, यू से इट क्लीन्स टॉयलेट बट स्वरा वाज देयर इवन आफ्टर यूजिंग इट। जवाब आया, सर वी से ओनली 99.99%। ये उनके बर्थडे पर ट्वीट किया है किसी ने। इस एड पर और भी कई सारे मीम्स बन चुके हैं, हालांकि ये अच्छा था। नेक्स्ट ट्वीट में लिखा है, ये सनी देओल साहब बोल रहे हैं, मैडम जी मैं आपको लाहौर छोड़ा हूं। नहीं नहीं भाई, लाहौर मत छोड़ना, वरना वो लोग इसे मुन्नी समझकर कहीं वापस इंडिया ना छोड़ाए। मुन्नी याद है ना आपको? दरअसल जब मैडम पाकिस्तान गई थी तो वहां के एक टीवी शो में बैठकर पाकिस्तानी गुणगान करने बैठ गई। अब भाई उनके यहाँ हो और उनकी तारीफ नहीं करोगे तो वापस हिंदुस्तान आने की कोई गारंटी नहीं रहती। तो मैडम लगी बखान करने कि मैं लंदन गई, पेरिस गई, तमाम दुनिया घूमी, लेकिन जो बात लाहौर में है वो कहीं नहीं है। यहाँ की तमीज, यहाँ की अदब, मतलब मोहतरमा को जो कुछ लगा वो गोबर कर दिया, मतलब बोला। लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है, और जितना हमें यहाँ प्यार, और काफी जगह घूमी हूँ लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस, सब फेल है लाहौर के सामने। अब मैंने जनाब वर्ड सीख लिया, क्यों हम इंडिया में भैया भैया करते हैं, लेकिन मैंने सोचा यहाँ थोड़ी यू नो सलीके से रहना चाहिए। गया और कहा, जनाब वो हम थोड़ा रास्ता नहीं समझ आ रहा तो डिफेंस जाना था, कौन सी बस छोड़ो है। उसके बाद तो हम बस में गए और तो ये थी उनकी लाहौर की कहानी। उसके बाद वो हिंदुस्तान वापस आई और उनकी फिल्म रिलीज होने को थी उंगली। उंगली नहीं भैया जी, वीरे दी वेडिंग। हाँ, लेकिन फिल्म को याद तो उंगली के लिए ही किया जाता है ना। अच्छा, इस फिल्म को पाकिस्तान ने कर दिया था बैन। अब स्वरा मोहतरमा हो गई लाल पीली। वो नजाकत, वो अदब, वो भाईचारा, जो कुछ उन्हें पाकिस्तान में दिखाई दे रहा था वो सब गुल। और मोहतरमा ने पाकिस्तान के बाद भारत में भी गोबर कर दिया। What do you expect from a state that's run by Sharia laws? And why should we hold up Pakistan which is like a failing state? आइए नजर डालते हैं इनके अगले बर्थडे विश पर। यहाँ भाई साहब ने लिखा है, इंडिया हैज बीन सीइंग सो मेनी वेरिएंट्स इन मेनी फॉर्म्स, सो एक्सी वेरिएंट इज नॉट डेडलियर देन द वायरस केम टू इंडिया इन 1988। स्वरा भास्कर न शकल न अकल। अरे दोस्त, इतना खराब नहीं बोलना चाहिए था। एंड आई एम श्योर स्वरा भास्कर को इनके द्वारा वायरस कहे जाने पर बिल्कुल बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि इसकी उन्हें आदत पड़ चुकी है। उन्हें बुरा लगा होगा इस बात का कि भाई तूने मेरा बर्थ ईयर क्यों बता दिया, अब मैं कैसे लोगों को कहूंगी कि अभी मैं सिर्फ 25 साल की हूं। हाँ दोस्त, बैड मैनर्स, ऐसे लड़कियों की उम्र नहीं बतानी चाहिए। क्या फर्क पड़ता है भैया जी, ये 25 की हो या 50 की, इसको रोल तो बाई वाला ही मिलेगा ना। एग्री डोंडो, विशिंग ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अरे वाह,
पहली बार किसी ने सीधे मुंह बर्थडे विश किया है। विशिंग ए वेरी हैप्पी बर्थडे टू द लेडी हु अननेसेसरी क्रिटिसाइज इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड इंटेंशनली प्ले विद द सेंटीमेंट्स ऑफ हिंदूज। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। रवि किशन जी का ये डायलॉग कई मीम्स में चेपा जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि स्वरा भास्कर एक बड़ी वामपंथी महिला है और वामपंथी लोगों की सोच आप सबको पता ही है, वो देश को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसने वामपंथी लेफ्टिस्टों के लिए इतना कुछ किया, अपना करियर भी दांव पर लगा दिया। ना केवल साइड एक्ट्रेस बनकर गुजारा कर रही है बल्कि रस भरी जैसी सेमी पॉर्न वेब सीरीज करके अपना घर चलाने के बाद भी उन्हें वामपंथियों की तरफ से वो सम्मान नहीं मिल पाता जो वो चाहती है। यही कारण है कि उनका समर्थन तो दूर की बात है, एक नॉर्मल सा बर्थडे विश भी किसी ने उन्हें नहीं किया। दिल से बहुत बुरा लगता है। अगला ट्वीट, द पीसफुल स्वरा भास्कर बॉर्न टुडे, डू अवॉइड एनी डिलीवरी। ये आतंकवादियों का चोला पहने स्वरा भास्कर को दिखाया गया है। ये मैंने कई जगह देखा है, इन्हें पीसफुल कहा जाता है। डू अवॉइड एनी डिलीवरी। बड़ी गहराई से मीम तैयार किया इस भाई ने। ये तो इन मैडम की इमेज बनी हुई है भारत में। समझ नहीं आता कि मोहतरमा को फिल्म इंडस्ट्री में काम देता कौन है। हालांकि इनकी मानसिकता वाले बहुत से डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं इंडस्ट्री में, बट एज आई सेड इनके अपने इन्हें बर्थडे विश तक नहीं कर रहे हैं, फिल्मों में काम तो क्या ही देंगे। ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं वीडियो को, क्योंकि ट्विटर पर इनके बर्थडे पर घनी बेइज्जती के अलावा किसी ने कुछ लिखा ही नहीं। मैंने तो कहीं किसी के बर्थडे पर ट्विटर में इससे बुरा हश्र किसी और का नहीं देखा। अब क्या ही कहें, कहावत तो शुरू में कह ही चुका हूं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। अच्छा, मैं जाते जाते स्वरा भास्कर जी की एक वीडियो दिखाता हूं जो उनकी फिल्म वीरे दी वेडिंग देखने के बाद एक आंटी की कही बात को सच करती है कि स्वरा भास्कर कितने भी अमीरों वाले रोल कर ले लेकिन वो गरीब ही दिखती है। स्वरा भास्कर पहली बार किसी पिक्चर में अमीर बनी है तो उसे वो अमीर बनने का वो ना हैबिट नहीं है, तो क्योंकि इतने दिनों से वो बस मतलब लाचार बीमार वो स्टेट्स वाली बन के आई है, तो उनको हैबिट नहीं है, तो इतने सारे पैसे के बाद ना उसको पता नहीं है कि क्या करना है। एक महिला के लिए कितना मुश्किल होता है ना इस तरह की सिचुएशन को संभालना। सच में सैल्यूट है स्वरा जी आप। अरे तो कौन बोला था इतना को कपड़ा लपेटने के लिए, साड़ी पहन लेती, सूट पहन लेती, अरे पैंटे पहन लेती, लेकिन मैडम को पहनना था शर्ट। अरे भैया जब अमीरों वाले शौक नहीं संभालते हैं तो अमीरों की नकल करते ही काहे को हो। दो कौड़ी की नचनिया है जो अपने ही देश में रहकर अपने ही देश को बर्बाद करने पर तुली है, मिडिल फिंगर जैसी शक्ल वाली औरत। हम तो कहते हैं ऐसी औरत को कान पकड़ के देश से बाहर क्यों नहीं निकाल देते मोदी जी। ये लगता है चुप नहीं होने वाला। जय हिंद, वंदे मातरम। हम बता रहे हैं जी, ये औरत पर वीडियो बनाना बंद नहीं किए तो हम आपका शो छोड़ देंगे, फिर इसी से करवा लेना हमारा काम भी।